अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बॉडी सिलेबस। मैं हूं कोदोस पसलमान फ्रॉम गोजावाला। उम्मीद करता हूं मेरे तमाम दोस्त खैर ऑफिस होगा, जो उनका शौक है वो अच्छा चल रहा होगा। व्यूअर्स, मेरी जो आज की वीडियो बनाने का मकसद है वो अपने घर में से पट्टों में से ब्रीडर को सिलेक्ट करना। ये वीडियो जो है ना स्पेशली इंटरेस्टिंग वीडियो, जिनका कमेंट भी मैं स्क्रीन पे शो करवा रहा हूँ उस भाई के लिए है। मुझे उनका नाम तो नहीं पता। बहुत शुक्रिया भाई, आपने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मैं अपना नाका सिलम आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले जितने भी मेरे देखने वाले भाई हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पे उस्तादों से बड़ी मदद के साथ मैं एक तालिबे की कमी से हमेशा बात करता हूँ। यहाँ पे कोई मेरा उस्ताद कोई वीडियो देख रहा है, अगर वो मेरी रहनमाई करना चाह रहा तो कर सकता है। अगर मेरी उसको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली उससे ये रिक्वेस्ट है कि वो मेरी वीडियो के नीचे जो है ना मेरी हौसला अफजाई करने के लिए ज़रूर कोई छोटा सा कमेंट कर दें, जिससे मुझे ये फील हो कि मेरी जो है ना वीडियो उनको पसंद आई होगी। चलते हैं व्यूअर्स अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले भाई आप अपने देखें कि आपके पास कौन सा पेयर था, किस नस्ल का मुर्गा मुर्गी था, और आपको आपसे बेहतर हम नहीं जानते आपके पास कौन सा ब्लड मौजूद है। अगर तो मियांवाल क्या है, ठीक है, सहीवाल के जानवर है, कोई भी ब्लड आपके पास मौजूद है, मुझे नहीं पता। मैं आपके पट्ठों में से आपको सिलेक्शन सिलेक्ट करने का तरीका बताऊंगा कि आपने अपने पट्ठों में से कौन सा मुर्गा ब्रीडर करना है। सबसे पहले अगर आपके पास एक अच्छा ब्रीडर मुर्गा और एक अच्छी ब्रीडर मादी है तो आपने उनके बच्चे लिए उनमें से चार पट्ठे आप सिलेक्ट करने हैं। मेथड एक ही है। अब चार पट्टे जब जवान होंगे, चूजे से जब वो जवान होंगे, आठ महीने की जब उनकी एज हो जाएगी, 8 महीने के वो पट्टे हो जाएंगे। आप उन चारों पट्टों को आपस में जो है ना उनमें से देखें कि इनमें से जो है ना खूबियां खामियां हर जानवर में होती हैं। ये नहीं है कुछ जानवर फाइटर होते हैं, बच्चे नहीं बनाते। कुछ जो परिंदे होते हैं, मुर्गे, वो लड़ने वाले नहीं होते लेकिन बच्चे बड़े अच्छे बना देते हैं। इसी चीज़ का नाम भी एक ब्रीडर का नाम दिया गया है। और 99% जो होते हैं हमेशा ब्रीडर, जो हमने देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, उसमें ये होता है कि कुछ ब्रीडर्स ऐसे भी हमने देखे हैं कि लड़ते कुछ नहीं हैं, कुछ भी नहीं करते, लेकिन बच्चे बड़े अच्छे बनाते हैं। कमाल सिर्फ और सिर्फ मादी का होता है। उसके साथ साथ मादी को बाद में इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे हम पट्टों के बात करते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी भाई, तो बड़ी मादी के साथ मैं आपको सिर्फ मुर्गे को सिलेक्ट, आपने ब्रीडर को पट्टों में से ब्रीडर को सिलेक्ट करना उसका तरीका कार बता देता हूँ अपने नाका सिलम के मुताबिक। आपने जब पट्टे चार आपके पास निकले, आपने उनको जवान किया, 8 महीने की उनकी एज आ गई, आप देखिए इनमें से सबसे ज़्यादा असील पट्टा कौन सा निकला है। हमेशा एक पूर में एक जोली में से सारे बच्चे असील ही निकल आते, कमियां खामियां सब में होती है, ब्लड एक ही होता है, लेकिन कुछ जानवर बड़े नायाब निकलते हैं, कुछ जानवर अहम ही निकल आते हैं। ये होता है कि बस ये रास की बात है। इंशाल्लाह किसी वीडियो में जो है ना ब्रीफ कर दूंगा, लेकिन मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं वीडियो शॉर्ट बनाता हूँ भाइयों के लिए, क्योंकि उनको शॉर्ट टाइम में उनके जो है ना पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर कर दूँ। आपने मुर्गा जब पट्ठों को देखना है कि सब में से असील पट्ठा कौन सा है, एक तो ये चीज़ क्लियर होगी। आपने चारों पट्टों में से कंपैरिजन करना है कि इसका फेस कैसा है। फेस सबसे अच्छा फेस अग्रेसिव फेस होना चाहिए उनका। उसके बाद हम आते हैं उनकी आंख के ऊपर, आंख उनकी जो है ना गहरी आंख होनी चाहिए, कश्मीरी चीरवी आंख हो, बदामी शेप की आंख हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी आंखों की गहराई ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं मुर्गी की नोक के ऊपर। नोक उसकी मजबूत होनी चाहिए, मजबूत होने के साथ साथ नोक छोटी और मोटी। इसके बाद आपने उसकी मुर्गी की गर्दन के मियार देखना है कि गर्दन के जोड़ आपस में कुड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ऐसे कट्ठी कुड़ियाँ जुड़ी हों। जब आप मुर्गे को चेक करें उस आपको महसूस हो रहा हो कि यार इसकी गर्दन मजबूत है। उसके बाद पट्टे की लाम पे आते हैं, उसकी लाम अच्छी होनी चाहिए। चारों पट्टों में से आपने ये चीज़ें देखनी है, जिसमें से सारे ये पॉइंट आपको नज़र आ रहे हों तो फिर आपने उसको ब्रीडर करना याद रखिएगा। उसके बाद आपने उसकी लाम देखनी है, उसके बाद आपने उसकी नलियाँ देखनी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बादियाँ फोटो कापियाँ दे जाती हैं, बिल्कुल बाप की कापी, और वो बच्चे लड़ते बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनके जब कल को बच्चे लिए जाएँ तो वो बच्चे नहीं लड़ाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फोटो कापियाँ तो नहीं बाप की निकलती, उनमें से 50% बाप का जो है ना हूबहू जो है ना आते मिलती होती हैं, लड़ाई कह सकते हैं आप। उसके बाद आप उसका नोक नली फेस रंग शंग ये चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो लड़ता नहीं, लेकिन वो बच्चे बड़े अच्छे लड़ाएगा। ये बाद में आपको एंड पे आपको बताऊँगा कैसे कन्फर्म होता है कि ये ब्रीडर है। उसके बाद आपने देखना है कि उनमें चीज़ें ये सारा कुछ मैच करने के बाद आपने फिर अपने मुर्गे को आगे रखना है कि मुर्गे में क्या कुछ चीज़ें थी जो आपके पट्टे में मुंतकिल हुई हैं।
अगर तो आपका मुर्गा फाइटर रह चुका है और उसने आगे से बच्चे चार नर उसमें से निकले हैं किसी अच्छी मादी के साथ, तो आपने उन चारों में से सिलेक्ट करना है, फिर आपने वो पट्ठा पकड़ना है, वो मुर्गा आपने ब्रीडर करना है जिसमें सारी खूबियाँ ही खूबियाँ हों, खामी का कोई सवाल ना पैदा हो रहा हो। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, तीन पट्ठे आपके पास और भी मौजूद होंगे, उनमें से आपने देखना है कि यार नोक किसी की जो है ना छोटी निकलेगी, किसी की नोक लंबी निकलेगी, किसी की नोक बारीक निकलेगी, किसी की नोक पे चरियाँ गुनूंगी, किसी की नलियाँ गोल निकलेंगी, किसी की चौरस नलियाँ निकलेंगी, ऐसी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जबकि ब्लड में एक चीज़ की आपको मैंने आपको पहले बताया, आपको पता है आपकी मादी और आपका मुर्गा कैसा था, आपने पट्ठों पे जो है सवाल किया, पट्ठों में सेलेक्ट करना, फिर उसमें ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। उसके साथ साथ जब आपने मुर्गे को पट्ठे को देख लिया, उसके बाद आपने मुर्गे को देखना कि मुर्गे में क्या क्या चीज़ें जो मेरे पट्ठे में मुंतकिल हुई हैं, चारों में से देखेंगे तो आपके किसी एक पट्ठे में जो है ना 80% चीज़ें इंशाल्लाह वो चीज़ें मौजूद होंगी, रंग भी होगा, आँख नोक नली ज़रूर जो है ना अपने बाप के साथ मुशाबत करती होगी कि ये चीज़ें उसमें हैं। उसके बाद अगर तो उसमें लड़ाई भी है, मजबूतियाँ बाप वाली हैं और हूब हूब बाप की कापी निकली है, तो आप उसको ब्रीडर कर सकते हैं। आप उसके दो साल होने का वेट, दो साल सवा दो साल होने का आप उसका वेट करें, आप फिर उसमें छटकनवी मादी लगा के बच्चे लें, और मादी जो होगा ना वो यंग ब्लड हो, उसने पहली पहली जोल भरनी हो, लेकिन उसकी मादी की भी एज का आपने पूरा होने का वेट करना है। जब आप उसमें से क्रॉस करवाएंगे, जो बच्चे आगे आपको निकलते हैं ना, आप उनको आगे से लड़ाते हैं बिड़ाते हैं, वो आपको पता है, वो हमें नहीं भाई पता होगा, लेकिन अगर तो वो आपकी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट दे रहा है तो वो 100% ब्रीडर होगा। और ब्रीडर हमेशा जो याद रखिएगा व्यूअर्स, दो तरह के ब्रीडर होते हैं, आजकल के दौर में बहुत कम ऐसे ब्रीडर देखने को मिलते हैं कि जो लड़ाई भी करते हैं और बच्चे भी अच्छे देते हैं। ये कभी पुराने वक्त में बात होती थी कि मुर्गा लड़ा पेट से लड़ता भी चंगा रहा है, जनाब को बच्चे भी अच्छे दे रहा है, वो आजकल के दौर में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। आजकल के दौर में ब्रीडर जो होते हैं वो ये लगा लें कि लोग उनको जो कहते हैं कि ये पीड़ों में ना कुछ भी नहीं करते, लेकिन बच्चे बड़े अच्छे लड़ाते हैं और हमेशा मादी ऐसा मादी ही ऐसा अहम किरदार अदा करते हैं जिससे बच्चे आपके बड़े अच्छे बन जाते हैं। मादी हमेशा जब भी आपने अपने ब्रीडर मुर्गे के साथ ब्रीडर आपने पट्ठा सेलेक्ट करना है उसके साथ मादी भी ज़रूर लगानी है। मादी छिटकनवी इंशाल्लाह किसी वीडियो में और मैं जिक्र कर दूंगा, प्रॉपर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद आपने उसकी सारी चीज़ें देखने के बाद जब आपको कंफर्म हो जाएगा ना यार ये सारी की सारी खूबियाँ खामियाँ इसमें मिल रही हैं, तो ये ब्रीडर है। ब्रीडर हमेशा लड़ाई का भी काम करने वाला ब्रीडर होता है। ब्रीडर करते भी पुराने वक्त में लोग ब्रीडर उसे करते थे जो लड़ाइयाँ भी करते थे और उसके बाद बच्चे भी लड़वाते थे पीड़ों में। और समटाइम ये होता है कि मुर्गा बड़ा अच्छा बना होता है लेकिन मादी आगे से अच्छी नहीं मिलती, फिर बच्चे आगे से छोटे छोटे में कमी आती हैं, आगे फिर उनकी कमियों को दूर करने के लिए जो है ना मादी अच्छी लगानी पड़ती है, फिर आगे उनके बच्चे जो अच्छे बनते हैं फिर उनमें से कोई ब्रीडर इस तरीके के मैथड से आप उसको तलाश कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 7-8 नर खड़े हैं, उनमें से वो सगे बहन भाई हैं, उनकी मादियाँ 3-4 उनकी सगी बहनें भी हैं, लेकिन मैंने उनको भी अभी तक जो है ना ब्रीडिंग के लिए नहीं छोड़ा। उनमें से मैंने एक पट्ठा सेलेक्ट करके छोड़ दिया हुआ है कि ये मैंने ब्रीडर करना है। क्यों? उसमें मजबूती भी पूरी है, उसमें नोक उसकी बड़ी सबसे मेरी नोक है, उसकी आँख उसका फेस उसकी हर चीज़ जो है ना वो असीलों में जो है ना ख़त्म हो रही है। और जिस जानवर में पूरे पॉइंट हो, नोक से ले के नली तक कोई भी पॉइंट ना असीलों का मिस ना हो रहा हो, तो उसे ब्रीडर कहते हैं, चाहे वो लड़े चाहे ना लड़े। बच्चे हमेशा अच्छे लड़ाएगा, क्यों? कि वो एक अच्छे ख़ानदान से बना होगा, ना भी लड़ाई करे कुछ भी ना करे, लेकिन वो मादी जब आप उसके साथ अच्छी लगाएंगे तो वो ब्रीडर कहलाएगा। और मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ हर चीज़ ब्रीफ की है मेरे भाई, और मैं उम्मीद करता हूँ भाई आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन यहाँ पे अगर किसी उस्ताद को मेरे वीडियो से कोई इख्तलाफात हो तो वो अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कर सकते हैं। हमने उस्तादों से सिर्फ यही आज तक हमने उस्तादों से सुनते आए हैं और देखते आए हैं और परखते आए हैं कि जिस जानवर में कोई भी गुंजाइश ना हो, असील के किसी भी जो है ना पॉइंट पे उसने क्रॉस ना लगवाया हो, तो वो 100% ब्रीडर ही होता है। चाहे वो लड़ता है चाहे नहीं लड़ता, चाहे वो एक मिनट ही लड़ता है और थक जाता है, कुछ भी करता है ना लड़े, लेकिन वो बच्चे कल को बड़े अच्छे लड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर जो ब्लड है ना वो एक ख़ानदान के आला ख़ानदान के मुर्गे या मुर्गी का ब्लड मुंतकिल हुआ आता है और वो बड़े अच्छे बच्चे लड़ाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।